पंचकुला सेक्टर 10 के गुज्जर भवन में 3 दिन से चल रही एनएसयूआई का ट्रेनिंग शिविर बुधवार को समाप्त हो गया। समापन अवसर पर युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए पहुंचे विभानी से युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि एनएसयूआई हरियाणा में मजबूती से उभर रही है और एनएसयूआई कांग्रेस विचारधारा से प्रभावित है। हरियाणा की जो एनएसयूआई की इकाई है जो अभी पिछले दिनों में चुनाव हुए थे, एक आप जो सबको पता है कि चुनाव की प्रक्रिया से चाहे वो यूथ कांग्रेस हो चाहे एनएसयूआई हो, जो राहुल जी की जो सोच है कि सभी के लिए एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस दरवाजे खोले जाएं चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से, तो उसमें जो चयनित पदाधिकारी पूरे हरियाणा के जो आए हैं, तो वो जो छात्र नेतृत्व उभर के आया तो उसके लिए जेएनएलआई की ट्रेनिंग कैंप यहाँ पे 3 दिन का कैंप पंचकुला के अंदर लगा। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में जो हमारे हम स्वागत करते हैं जो सेक्रेटरी हैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय सेक्रेटरी राहुल जी के साथ अटैच हैं गिरीश जी, वो आज आए हैं हमारे जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं। और एनएसयूआई ने निमंत्रण मुझको भी एक जो इसके ट्रेनिंग कैंप के सेशन के अंदर अपना वक्तव्य रखने का निमंत्रण दिया, तो छात्र नेतृत्व जो हरियाणा का उसके साथ इंटरेक्शन करने का मेरे को भी मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि जो एनएसयूआई के का छात्र नेतृत्व दिख रहा है उससे बात स्पष्ट होती है कि आने वाले समय में कांग्रेस की बहुत मजबूत नींव यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में बाढ़ग्रस्त इलाकों के परिवारों को मुआवजा देने की भी बात कही। जहाँ भी किसान की फसल का अगर कहीं किसान की फसल बर्बाद हुई है तो उसको एडिक्वेटली कंपनसेट किया जाएगा, ये फैसला लिया जा चुका है। और भी क्योंकि कई जगह रिहायशी इलाकों के अंदर भी जो है नुकसान हुआ है जो है, तो वहाँ भी पूरी मदद की जाएगी। और जो है दुर्भाग्य से देखिए इसको प्रदेश के अलग अलग प्रदेश के उस नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रदेश हमारे जो बगल के प्रदेश हैं पड़ोसी प्रदेश हैं वहाँ पे लोगों की जानें भी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको इस बात की चिंता है और जो भी हमसे जहाँ भी संभव हो सकेगा मैं समझता हूँ कि वो हम लोग करेंगे। वहीं एनएसयूआई के प्रधान राजेश बोरा ने बताया कि 3 दिन से ट्रेनिंग शिविर में, इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ट्रेनिंग कैंप से ये भी सीखा कि युवा को राजनीति से ज्यादा कैसे जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा के 46 अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो AICC का अभी एक रिशफल हुआ है और उसमें बहुत से जो AICC की हमारी एवरेज एज है, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एवरेज एज 52 साल की बनी है, जो सबसे कम है, पहले हमेशा AICC। तो ये राहुल जी की जो एक सोच है कि इस देश में युवा नेतृत्व